Hello all and welcome to Recognition IS. Now in this particular lecture we are going to see कि Google Classroom को कैसे use करना है. देखिए lockdown के time पे बहुत सारे लोगों को यही problem हो रही थी कि how to use a platform where you can successfully make an arrangement with your students. किस तरीके से आप student के साथ में आप एक collaboration, एक connection बना करके रख सकते हैं. तो Google Classroom ये काफी अच्छा एक platform provide करता है जहां पर आप स्टूडेंट के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं. इस गूगल क्लासरूम में क्या है, क्या कुछ फीचर्स है, ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके. पहले मैं आपको एज अ टीचर बता दूंगा कि एज अ टीचर आप क्या क्रिएट कर सकते हैं. सिमिलरली उसके बाद आप आफ्टर दिस थिंग वी विल डिस्कस कि किस तरीके से हम लोग स्टूडेंट बन करके हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं. तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से है, एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर दोनों ही देखेंगे. पहले हम लोग जरा देखते हैं एज अ टीचर किस तरीके से आप क्लास क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करेगा. तो लेट अस स्टार्ट. तो देखिए एज अ टीचर अगर बात करते हैं तो देखिए यहां पर जैसे ही आप गूगल क्लासरूम में आप लॉग इन करेंगे वैसे ही आपको एक विंडो ओपन होकर के आ जाएगा. उस विंडो में आपको इस तरीके से यहां पर जैसे दो क्लासेस क्रिएट करके रखी गई हैं, इग्नोर दिस, यहां पर आपको आपका नाम दिखेगा. तो देखिए रिकॉग्निशन आईएस लॉग इन है. इसके अलावा यहां पर कुछ आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल जाएंगी अगर आपको यूज करना है, देन यू कैन यूज, अदरवाइज यू कैन स्किप. इसके अलावा देखिए यहां पर आपको प्लस बटन दिखेगा. प्लस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दो ऑप्शन खुलेंगे, इधर टू ज्वाइन और टू क्रिएट. इफ यू आर अ टीचर यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट क्लास. क्रिएट क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जहां पर आपको एक साइनिंग करना होगा क्या चीज है. फिर आप आराम से यहां पर क्लास नेम लिख सकते हैं, सेक्शन लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं और क्लासरूम लिख सकते हैं फॉर योर ओन कन्वीनियंस. अपने हिसाब से आप चीजों को लिख सकते हैं. जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे वैसे ही आपकी क्लास क्रिएट हो जाएगी. जैसे कि यहां पर मैंने दो क्लास ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है. जैसे एक है जो डेमो नाम से है, दूसरी है जो ज्योग्राफी ऑप्शनल नाम करके बनी हुई है. तो आपने क्रिएशन कर दिया. अब जैसे ही आप क्रिएट करेंगे लेट सपोज मैं यहां पर एंटर कर देता हूं, यहां पर आपको देखिए क्लास नेम दिख जाएगा, देन आपको क्लास कोड दिया जाएगा. आपको ये क्लास कोड है जो स्टूडेंट के साथ में शेयर करना होगा ताकि वो स्टूडेंट आपके इस क्लास में वो ज्वाइन कर सके. तो ये क्लास कोड आप किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे एसएमएस हो, चाहे ईमेल हो, एनीथिंग. तो मैंने भी ईमेल करके स्टूडेंट्स को अपने बता के रखा हुआ है कि दिस इज द क्लास कोड, यू हैव टू यूज दिस क्लास कोड फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ दिस क्लास. तो ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से. इसके अलावा बाकी यू कैन शेयर विद योर क्लास, कुछ भी अगर आपको लिखना है, कुछ भी शेयर करना है तो आप कर सकते हैं. यहां पर आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं कि किसके लिए है, किस स्टूडेंट को भेजना है, अगर सिंगल स्टूडेंट को भेजना है या फिर मल्टीपल स्टूडेंट को भेजना है, यहां पर आप लिख सकते हैं. यहां पर शेयर कर सकते हैं लाइक सपोज द नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑन द नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑन मंडे. हाँ नेक्स्ट टेस्ट मंडे को होने वाला है. यू कैन शेयर सम लिंक्स और सम गूगल ड्राइव अगर आपको करना है तो कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक फाइल कोड कर देता हूं. तो यहां पर देखिए जैसे मैंने एक फाइल अपलोड कर दिया demo.pptx नाम से, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा फटाफट. अपलोड होने के बाद में अपना वापस से रोल बैक करके आ जाएगा और मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा शेयर के साथ, पोस्ट के साथ. तो मैं आप जैसे ही पोस्ट करूंगा वैसे ही ये हमारे वॉल पे जा चुका है. बट मेरे पास अभी कोई स्टूडेंट नहीं है क्योंकि मैंने किसी स्टूडेंट को अभी अपना ये क्लास कोड नहीं दिया है. तो अब चलते हैं जरा स्टूडेंट बनकर के और चेक करते हैं कि क्लास कोड के बहाने कैसे स्टूडेंट जुड़ेगा. तो अब स्टूडेंट लोगों की कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि किस तरीके से आपको क्लास ज्वाइन करनी है. टू ऑल माय स्टूडेंट, टू ऑल द रिकॉग्निशन आईएएस स्टूडेंट, नाउ योर स्टोरी बिगिंस. यहां से आपको चीजें करनी है. तो देखिए एज अ स्टूडेंट जब आप आएंगे तो यहां पर आपको लॉग इन करने को मांगा जाएगा. यहां पर आप भी लॉग इन करेंगे. लॉग इन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म खुल करके आएगा. आपको यहां पर अगेन प्लस बटन पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है एंड देन जो आपको ईमेल आईडी पे दिया गया है क्लास कोड वो आपको यहां पर पेस्ट करनी है. जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वैसे ही आप ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन करने के बाद आप उसी क्लास में एंटर कर जाएंगे जहां पर आपकी टेस्ट होने वाली है. जो जैसा कि देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को डेमो के लिए दिया था तो आप डेमो यहां पर ज्वाइन कर लेंगे. देखिए मैंने वहां पर लॉगिन पे जब मैंने पोस्ट किया था वहां पर देखिए आपको नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑन मंडे ये आपको दे दिया गया है. तो इस तरीके से चीजें हो गई है. यू कैन ऑल्सो कमेंट हियर, ओके सर, यहां पर मैं कर देता हूं कमेंट. तो आप ओके सर करके यहां पर कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, यू हैव ज्वाइन द क्लास. अब अगर मान लीजिए आपको देखना है कि आप सही क्लास में है कि नहीं है, यू कैन क्लिक ऑन हियर हियर. यहां पर आप रिकॉग्निशन आईएएस देख लेंगे, हाँ ठीक है हम सही क्लास में है. अगर देखिए यहां पर क्लास वर्क में आप जाएंगे तो देखिए यहां पर फिलहाल आपको अभी कोई क्लास वर्क नहीं है क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया है. तो आप स्ट्रीम पे हैं तो आप फिलहाल इस तरीके यहां पर आ जाएंगे. यहां पे आने के बाद आपको करना क्या होगा, क्लास वर्क में आना है. और क्लास वर्क में आने से पहले टू ऑल द टीचर्स, जो लोग भी टेस्ट वगैरह या कुछ भी कंडक्ट करना चाहते हैं वो कैसे कंडक्ट करें, वापस से आ जाते हैं और टीचर बन जाते हैं. तो देखिए एज अ टीचर, व्हेन यू आर अ टीचर,
टीचर हैं तो आपको क्या है क्लास वर्क देना है, तो आप क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे, क्लास वर्क पे क्लिक करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यू हैव सेवरल ऑप्शंस हियर लाइक असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन मटेरियल और एनीथिंग, कुछ भी आप दे सकते हैं। सपोज मुझे जो होता है क्विज असाइनमेंट देना है, तो आई विल क्लिक ऑन क्विज असाइनमेंट। तो मैं क्विज असाइनमेंट में जैसे ही क्लिक करूंगा, मुझे यहां पर टाइटल देने को आ गया, तो मैं टाइटल दे देता हूं लाइक डेमो टेस्ट, डेमो टेस्ट मैंने ऑप्शन दे दिया। इंस्ट्रक्शंस मैंने दे दिया है कि कुछ भी दे सकते हैं आप लाइक इंस्ट्रक्शन तौर पर आप मान लेते हैं कुछ भी लिख देते हैं। सपोज मैं लिख देता हूं कि क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि हाँ ठीक है क्वेश्चन आपको करना है, तो ये आपने मैंने लिख दिया। अब यहां पर मैं ऐड करूंगा, हाउ विल आई ऐड, मैं ऐड कर सकता हूं अलग अलग माध्यम से, मैं फाइल अटैच कर सकता हूं, मैं यूट्यूब पे अटैच कर सकता हूं, लिंक अटैच करता हूं, तो कुछ भी अटैच कर सकता हूं, या मैं क्रिएट करना है तो क्रिएट भी कर सकता हूं अलग अलग फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट या स्लाइड या कुछ भी। लेकिन मैं फिलहाल जो रखने वाला हूं टू मेक श्योर कि स्टूडेंट अपना अपना आंसर अलग अलग अटैच करे, मैं उसमें ब्लैंक क्विज बनाने वाला हूं। जैसे मैं एक ब्लैंक क्विज बनाऊंगा, मेरे पास अलग से एक स्प्रेडशीट खुल करके आ जाएगी। ये स्प्रेडशीट हमारी जो खुलेगी उसमें हमें कुछ इस तरीके की चीजें दिखने को मिलेंगी, लाइक ब्लैंक शीट वगैरह आ गई है। तो मैं यहाँ पर अलग से अपना कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, लाइक क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज द टेस्ट नंबर वन, इस तरीके से लिख दूंगा। फिर यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख दूंगा, ऑप्शन लिखने के बाद मान लेते हैं यहाँ पर मैं फाइल अपलोड लगा दे रहा हूँ, फाइल अपलोड में क्लिक करूंगा तो ओके हो जाएगी, लिंक आ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, सपोज क्वेश्चन लिखने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, लाइक सपोज यहाँ पर आंसर आ जाती है, सपोज कुछ भी मैंने लिख दिया कि यहाँ पर आंसर लिखना है आपको, तो यहाँ पर आप फाइल अटैच करने के लिए लिख सकते हैं कि क्या इमेज फाइल जैसे आ सकती है या फिर पीडीएफ आ सकता है। तो मैंने अब बोला हुआ है कि आप या तो कैम स्कैनर यूज करिएगा या फिर आप यूज करिएगा क्या चीज, आप यूज करेंगे जेपीजी फाइल, तो दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। 10 MB ओके, 100 MB कर देते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। यहां पर अगर कंपलसरी मुझे क्वेश्चन करना होगा तो मैं रिक्वायर्ड क्लिक कर दूंगा, अदरवाइज मैं क्लिक नहीं करूंगा कि यहां पर जो भी है। सिमिलरली मैं कोई दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर दिया इसी तरीके से यहां पर, तो यहां पर क्या मल्टीपल चॉइस नहीं, फाइल अपलोड में लगा दूंगा। फाइल अपलोड लगाने के बाद अगेन मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं यहां पर अगेन 100 MB कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं आंसर की, यहां पर अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, चीजें आपके पास है, आपके हाथ में है। फिर यहां पर मैं क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा फटाफट। सेंड करने के लिए ऑप्शंस अलग अलग है, जैसे ईमेल करने के लिए है या फिर किसको ईमेल करना है ये कर सकते हैं आप, या फिर लिंक दे सकते हैं, या फिर यहां पर आप HTML का सीन लगा सकते हैं। मैं यहां पर लिंक देने वाला हूं, तो सपोज ये लिंक हो गई है तो मैंने यहां पर कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं यहां पर वापस से रोल बैक करके अपने क्लास वर्क पे आ जाऊंगा। यहां पर मैं जब वापस आ जाऊंगा तो मैं यहां पर लिंक के माध्यम से इस लिंक को मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करने के बाद मैं यहां पर ऐड लिंक लगा दूंगा। तो अब देखिए ये लिंक बन चुकी है, ये आ चुकी है। अब मैं यहां पर असाइनमेंट लगा दूंगा, वी हैव सेवरल ऑप्शंस हियर लाइक अभी अगर असाइन करना है तो अभी कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे मंडे को अगर टेस्ट देना है तो मंडे को आप लगा सकते हैं, जिस तरीके से आपको करना है वो कर सकते हैं। मैं यहां पर असाइन करने वाला हूं तुरंत के तुरंत। तो ये देखिए हमारी टॉपिक क्रिएट हो चुकी है, ऐड हो चुका है, गॉट इट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट डेमो लेक्चर बन चुकी है, अब हम लोग जरा स्टूडेंट बन के चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल में कुछ आया। तो ये देखिए हमारे पास ये आ जाती है लेक्चर, तो अगर स्ट्रीम वॉज अपडेटेड शो कर देते हैं तो हमारे पास कुछ कुछ आया हुआ है। लेट अस सी इन आवर क्लास वर्क, क्लास वर्क में जैसे ही आप आएंगे यहां पर आपको देखिए एक डेमो टेस्ट आ गया है, नो ड्यूज, कुछ भी ड्यूज नहीं है। मैं जैसे ही ओपन करूंगा वैसे ही व्यू असाइनमेंट पे आ जाएगी, या तो मैं ब्लैंक पेपर पे क्लिक कर सकता हूं या मैं गूगल फॉर्म पे क्लिक कर सकता हूं। आप दोनों पे ही क्लिक करके चेक करेंगे कि किस पे पेपर है। सपोज यहां पे गूगल फॉर्म वाले पे है तो आपने क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा दूसरे फॉर्म पेज पे। यहां पर देखिए आपके पास क्वेश्चन लिख के आ जाएगा, जैसे यहां पर MDMS करके लिख के आ गया है, यहां पर आपको क्वेश्चन पेपर लिख करके आ जाएगा। यू हैव टू राइट योर आंसर ऑन योर A4 शीट पे लिखिएगा। यहां पर आप फिर फोटो क्लिक करिएगा, फोटो क्लिक करके आप एड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन पूछ लेगा कि आपको ड्रैग करना है कहां से क्या करना है, तो आप अपनी फोटोज के यहां के थ्रू अपलोड करिएगा। अपलोड करने के बाद इसको सेंड सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन इस तरीके से अपलोड करके आप बेसिकली सबमिट कर देंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही हमें हमारे पास वो पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से हम लोग इसको चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही आंसर आएगा मैं हर एक क्वेश्चन पे चेक करके आपको एक सजेशन दे दूंगा, आपको एक फीडबैक दे दूंगा, और उसके बाद से उसी बेसिस पे मार्क्स भी दे दिया जाएगा। तो ये थी पूरी गूगल क्लासरूम की कहानी, काफी आसान भी है अगर आप इसको आराम से करेंगे, और काफी यूजफुल एक ऐप दिया गया है, एक यूजफुल प्लेटफॉर्म दिया गया है हमारे गूगल के द्वारा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो अगेन टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।